दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी चैनल्स पर इधर उधर घूम रही है, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी के साथ और एक सिंपल व्यू में आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिससे आपको पता लगे कि कितनी एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव हुए हैं DSSSB के लिए अंडर एडवर्टाइजमेंट 2x21, है ना। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट इस बार TGT का निकला था इसी साल, ठीक है, उसमें कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और कितनी वैकेंसीज थी, तो वो रेशियो मैं साथ के साथ यहाँ लेकर के आया हूँ, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। और जो अपना सब्जेक्ट है यानी कि TGT नेचुरल साइंस, जिसके लिए हम लोग टारगेट टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है, ठीक है। बाकी अगर कोई इसको ऐसा कैंडिडेट देख रहा है जो किसी और पोस्ट के लिए जिसने अप्लाई किया है मैथ के लिए या फिर हिंदी या इंग्लिश के लिए, तो उनको भी यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो पोस्ट कोड है वो हिंदी फीमेल है, ठीक है, TGT हिंदी फीमेल। तो इसमें EWS कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसीज थी। ये नीचे जो आप देख सकते हैं ये वो वैकेंसीज हैं जो एडवर्टाइजमेंट में दी गई थी, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कितने फॉर्म डाले गए हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर बात करूँ UR कैटेगरी की तो लगभग 3739, ठीक है, ये फॉर्म जो है वो पड़े हैं 310 वैकेंसीज के लिए। और ऐसे ही OBC में आप देखिए, SC में देखिए और ST में देखिए, है ना। बाकी हिंदी मेल के लिए 26 वैकेंसीज थी TGT के लिए और 420 फॉर्म फिल किए गए हैं, जो कि बहुत कम है, तो यहाँ पे अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा आप UR कैटेगरी में देख सकते हैं कि भाई 329 वैकेंसीज के लिए 3000 लगभग यहाँ फॉर्म भरे गए हैं, तो लगभग लगभग मैं मानूंगा कि 10 पर 1 है यहाँ पे कैंडिडेट। और ऐसे ही OBC में देखिए 163 के लिए 956 फॉर्म पड़े थे और SC कैटेगरी में 25 वैकेंसीज के लिए, सोचिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए OBC से भी ज़्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन हो गया, बल्कि मैं कहूँ कि जनरल से यानी UR से भी ज़्यादा यहाँ कॉम्पिटिशन रहने वाला है। फिर ST कैटेगरी में देख लेते हैं, 13 वैकेंसीज थी जिसमें कि 1013 जो है एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। अब ये अपने सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए मेल में आप देखिए कि 29 EWS की वैकेंसीज थी जिसमें 780 फॉर्म्स फिल किए गए हैं, ठीक है। और बाकी देखिए आप UR कैटेगरी के अंदर, UR कैटेगरी में 482 वैकेंसीज के लिए 6000 लगभग फॉर्म भरे गए हैं, जो कि मैं मानूंगा कि कम ही है अगर उस पॉइंट व्यू से आप देखें। और इसके अलावा देखिए आप OBC के अंदर 1303 फॉर्म जो हैं वो फिल किए गए, मतलब एप्लीकेशंस पड़े हैं, जबकि जो वैकेंसीज थी ये 242 थी, ठीक है। SC कैटेगरी में आप देखिए लगभग 2914 फॉर्म फिल किए गए हैं, 198 जो थी वैकेंसीज थी। और ST कैटेगरी में देखिए 642 फॉर्म पड़े हैं और वैकेंसीज 89 थी, है ना। तो यहाँ तो काफ़ी हल्का कंपटीशन लग रहा है, लेकिन अगर आप फीमेल में देखेंगे दोस्तों यहाँ कंपटीशन बहुत टफ है, और UR कैटेगरी में तो सबसे ज़्यादा टफ है। आप देखिए कि यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में जो कैंडिडेट जो वैकेंसीज थी वो 36 थी और 833 लोगों ने अप्लाई किया है, फीमेल्स ने अप्लाई किया है। और UR कैटेगरी के अंदर 16230 फीमेल्स ने अप्लाई किया है फॉर 339 वैकेंसीज। तो ये देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट है ये, यहाँ पर सीट जो रेशियो है कैंडिडेट्स के अप्लाई करने वालों को, सबसे ज़्यादा फीमेल कैटेगरी में नेचुरल साइंस की आपको देखने को मिलेगा। और यही चीज़ आप देखेंगे कि फीमेल मैथ्स में भी है, मैथ्स में भी देखिए 17000 गर्ल्स ने अप्लाई किया है ओनली फॉर 397 वैकेंसीज, ठीक है। तो यहाँ फीमेल्स में देखिए कंपटीशन टफ है दोस्तों, है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेल्स हैं उनमें बहुत इजी हो जाएंगी चीज़ें, वहाँ भी कंपटीशन है, लेकिन फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा है। OBC में देखेंगे 96 वैकेंसीज के लिए जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 2684 हैं, जबकि SC कैटेगरी में 2746 फॉर्म्स फिल किए हैं 207 वैकेंसीज के लिए, ST में 146 के लिए 5। तो यहाँ तो फीमेल्स का ST कैटेगरी के लिए तो इजी है, लेकिन वैसे यहाँ डिफ़िकल्ट हैं चीज़ें।
इसी तरीके से दोस्तों बाकी कोर्स के लिए भी यहाँ पर मैंने चार्ट बना रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स वालों के लिए भी देख सकते हैं आप। मैथ्स में तो मेल्स के लिए भी अच्छी एप्लीकेशन फॉर्म्स पड़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेल्स में 10,261 है 388 वैकेंसीज के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आप देखिए कि भाई एसएसटी के लिए है ना, सोशल साइंस के लिए और बंगाली के लिए, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 38 वैकेंसीज के लिए जो फॉर्म फिल किए गए हैं दोस्तों, वो 6,084 हैं, है ना, जो काफ़ी हैं। और आप यहाँ देखिए, यहाँ तो मतलब 67,000 लगभग फॉर्म है 313 वैकेंसीज के लिए, तो यहाँ बहुत अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है। और यहाँ केवल 6 वैकेंसीज के लिए ओबीसी में 21,675 सीटें, ठीक है, इन पर कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इन कैटेगरीज़ में, यानी कि मैं बात करूँ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी या असिस्टेंट टीचर नर्सरी, इनमें जो कंपटीशन है वो मेन सब्जेक्ट्स जैसे मैथ साइंस है उनसे भी ज़्यादा कंपटीशन इधर है। देखिए एलडीसी के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 114 वैकेंसीज के लिए लगभग 1,18,000 फॉर्म है यहाँ पर। देखिए काउंसलर के लिए भी सिमिलर, यहाँ भी अच्छा कॉम्पटिशन है। हेड क्लर्क के लिए आप देख सकते हैं कि एक वैकेंसी के लिए, देखिए यूअर कैटेगरी के लिए 4,347 फॉर्म जो है वो फिल किए गए हैं दोस्तों, है ना, तो जो काफ़ी, एक एक वैकेंसी के लिए देखिए 24,000 फॉर्म यहाँ पे हेड क्लर्क के लिए भरे गए हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए देखिए आप यहाँ पर 3,097 फॉर्म है यहाँ 35 वैकेंसीज़ के लिए, यहाँ 34,396 फॉर्म है केवल 45 वैकेंसीज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट टीचर जो हैं उनके लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन है दोस्तों, है ना। पटवारी के लिए इवन आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा खासा कंपटीशन है कि भाई एक सीट के लिए 3,467 लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपना जो सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो आपको लग रहा होगा कि इजी हैं चीज़ें, है ना, हो जाएंगी आराम से। देखिए एक दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ कैंडिडेट्स इसको देख करके रिलैक्स भी हो सकते हैं कि अरे चलिए इतना क्यों पढ़ना है, कंपटीशन इतना नहीं है, ठीक है हो जाएगा, है ना। और कुछ लोग इसमें मोटिवेट भी हो सकते हैं इस चीज़ को देख करके कि चलिए कंपटीशन है, अच्छा है, काफ़ी मतलब लोग हैं, ऐसा नहीं है अप्लाई करने वाले, क्या पता सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो आपसे भी बेहतर तैयारी कर रहे हो, है ना, ऐसा हो सकता है दोस्तों, है ना। तो अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़िए, ये मत सोचिए कि वैकेंसीज़ कितनी हैं। मैं बात करूं कि ये जो सोर्स है जहां से मुझे वैकेंसीज़ का पता लगा है, तो दोस्तों एक आरटीआई है जिसके थ्रू ये चीज़ पता लगी है कि भाई कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव हुए हैं DSSSB को इस पोस्ट कोड के लिए, यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए 02/21 के लिए। तो ये एक तरीके से एक RTI डाली थी, तो ये एक लेखा जोखा है उसका, मुझे नहीं पता कि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है या नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये मेरा एक काम था कि आपको इस चीज़ को एक बार बता दूँ कि इतने इतने एप्लीकेशन फॉर्म भरें। बाकी आप जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वो करते रहें, जल्दी ही अपना जो टारगेट टेस्ट सीरीज़ का 9वां वीडियो है यानी प्लांट फिजियोलॉजी का, वो आपको मिल जाएगा कल। तो आप तैयारी ज़रूर करते रहिए अपनी अच्छे से NCERTs को। मैं फिर एक बार कहूँगा कि NCERT आप जितना पढ़ेंगे उतना बेनिफिट होगा, चाहे वो NCERT आपकी फ़िज़िक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या बायो की हो, है ना दोस्तों। तो और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, मैं एक बहुत जल्दी एक टिप वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। DSSSB के एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें जो मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मैंने फ़ेस की थी, ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। यानी कि अगर हम छोटी छोटी बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें तो हमारा जो सिलेक्शन है वो और ज़्यादा इंश्योर हो सकता है दोस्तों, है ना, हम और करीब जा सकते हैं उस चीज़ के और वो हम अपने हाथ में ले भी सकते हैं उस सीट को। तो आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, उसके लिए बहुत जल्दी एक टिप वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, तो उसका वेट करिए, अभी जल्दी ही लेकर के आऊँगा, है ना। तो बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट दोस्तों।